तो नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि रेलवे की जो फॉर्म है वो एक तरफ तो ये हिंदी में लिखा हुआ होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो ये मैं कल गया था आनंद विहार, मुझे टिकट बुक करना था तो हुआ तो है नहीं, तो आज मैं फिर जाऊँगा तो अभी मैं टिकट फॉर्म भर रहा हूँ तो सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पर ये जो पेशेंट का नेम यहाँ पर भरेंगे या नेशनलिटी, यहाँ पर मेल फीमेल, यहाँ पर एज, ठीक है, यहाँ पर अगर कॉन्सेशन ट्रैवल अथॉरिटी नंबर है तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकेंगे चलेगा। बर्थ आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे भर सकते हैं, वेज नॉन वेज यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लोगों का भरने का होता है और 2 मतलब चिल्ड्रेन का होता है, ठीक है। चिल्ड्रेन मतलब जो बिलो 5 ईयर्स मतलब 5 साल से छोटे जो है उनके भर सकते हैं। 3 चिल्ड्रेन है तो तीनों को भी भर सकते हैं अलग अलग करके। ये रिटर्न जर्नी मतलब ये अगर आप वापस आना चाहते हैं, किसी और ट्रेन में आना चाहते हैं, उस ट्रेन में नहीं, चाहे 10 दिन बाद 15 दिन बाद अगर है तो ये देखिए आगे की वापसी यात्रा का विवरण ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए वापसी यात्रा का विवरण, गाड़ी संख्या, नाम, ये सब डाल सकते हैं, ठीक है। तो आवेदन पत्र, तिथि, हस्ताक्षर, अगर आप वापसी यात्रा नहीं करेंगे तो यहाँ पर नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा, या आप यहाँ जो भी ट्रेन नंबर वगैरह यहाँ भर रहे हैं वही चीज़ यहाँ भर दीजिए तो भी चलेगा, ना भर तो भी चलेगा। अगर आपको कहता है काउंटर पे भाई आपको भरना पड़ेगा तो भर दीजिए, ये तो कोई बात नहीं। तो मैं 2-3 फॉर्म लाया था जो कि मैं इंग्लिश में भरता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या भरना है, ठीक है। सबसे पहले ये जो बॉक्स है थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, एक्चुअली ISO थोड़ा सा इसका गड़बड़ी हो रही है मोबाइल की, चलो कोई बात नहीं, आ गया। तो रिजर्वेशन अब कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म ये होता है, इसमें दोनों ही कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पर टिक करिए, ठीक है। अगर आप किसी कोटा में बात लेना चाहते हो तो यहाँ पर टिक करिए। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर टिक करिए, ठीक है। यहाँ 50% 100% आप कॉन्सेशन चाहते हैं यहाँ टिक कर सकते हैं। बाकी बॉक्सों में आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि विकल्प आप करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे ट्रेन में मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग विद इन 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे कोई भी आपको भरना है, मतलब आपको 24 घंटे के अंदर आपको दूसरी ट्रेन चाहिए इस ट्रेन में आपको बुकिंग कंफर्म नहीं होता है, ठीक है, 48 घंटे के अंदर चाहिए, 12 घंटे के अंदर चाहिए, वो टिक करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये डॉक्टर और ये सीनियर सिटीजन आपको टिक करने होती है। अगर आप 58 साल या 58 साल से ऊपर आपको किसी फीमेल का भरना हो, या 60 साल से ऊपर आप किसी मेल का भरना, तब यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना ही भरना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन नंबर और नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ आनंद विहार से मुझे कानपुर जाना है, और ये मैं घर पे ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जाऊँगा टिकट बुक करने, तो फॉर्म तो घर पे ही भरेंगे, शूट तो घर पे ही होगी क्योंकि काउंटर पे तो होगी नहीं। तो हमारा ट्रेन का नंबर है 150 150 26। ये वेटिंग मिलेगा क्योंकि हम 10 तारीख को जाने वाले हैं 2 दिन बाद। तो इसका ट्रेन का नाम है आनंद विहार मऊ एक्सप्रेस, तो अभी ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको कभी कभी जैसे गाड़ी का नाम लिखा नंबर नहीं लिखा तो आपको बता देना होता है कि हमें इस गाड़ी में जाना है, नहीं तो दूसरी ट्रेन में भी बुक हो सकती है गड़बड़ी करने के बाद। डेट ऑफ जर्नी यहाँ पर जिस तारीख को आपको सफ़र करना है वहाँ पर आप लिखिए। तो मैं यहाँ पर 10 फरवरी दे देता हूँ, 10/2/2020, ठीक है, ये हो गया। क्लास आप कौन सा लेना चाहते, 3rd AC, second AC, first AC, स्लीपर, तो मैं स्लीपर क्लास मतलब SL, 3rd AC होगा तो 3A, first AC 1A, second AC 2A, ऐसे करके भर सकते हैं। नंबर ऑफ बर्थ कितने सीट आपको चाहिए, यहाँ पर आप 6 लोग भर सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर एक ही जाऊँगा, मैं अकेले जाऊँगा तो एक भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन फ्रॉम और टू, कहाँ से कहाँ तक, ये तो हमने भर दिया, हमको जाना है ANVT। अगर आपका स्टेशन का कोड मालूम नहीं तो आप पूरे स्टेशन का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आनंद विहार ANVR भी होता है, टू कानपुर, कानपुर का कोड है CNB, ठीक है, कानपुर सेंट्रल, आप पूरा कानपुर सेंट्रल यहाँ पर लिख सकते हैं, बहुत जगह है। अभी जो बोर्डिंग एट, अब मैं आनंद विहार तो है, आनंद विहार से ही ट्रेन में सफ़र करना शुरू करूँगा। अगर मैं गाज़ियाबाद सफ़र करना चाहता हूँ क्योंकि गाज़ियाबाद रुकती है ट्रेन, या उसके आगे किसी स्टेशन से ट्रेन सफ़र करना चाहता हूँ, तो बोर्डिंग हमको गाज़ियाबाद लिखना है। आनंद विहार से TT हमको नहीं ढूंढेंगे, हमको कहाँ ढूंढेगा आके, गाज़ियाबाद से ढूंढेगा, क्योंकि मैं बुकिंग तो आनंद विहार से किया लेकिन हम ट्रेन का सफ़र अगले स्टेशन से अगले 2 स्टेशन के बाद शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमें बोर्डिंग वहाँ पर ना लिखे तो भी चलेगा, आनंद विहार भी डाल सकते हैं,
खाली रखेंगे तो भी चलेगा। अभी रिजर्वेशन आप तो हम तो कानपुर तक ही लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि फॉर पीएनआर स्टेटस अपडेट थ्रू एसएमएस, तो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर जो ज़रूर डालना आप, क्योंकि आपके पास आजकल तो काउंटर टिकट भी मोबाइल नंबर मांगता है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, 9811485810, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर कोई पूछना है तो इस पर आप पूछ के बात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। तो ये पीएनआर स्टेटस इसके हिसाब से आएगा। अगर आपका आरएसी मिला, वेटिंग मिला, तो क्या कंफर्म हुआ, चार्ट प्रीपेड हुआ कि नहीं, गाड़ी कैंसिल हुआ कि नहीं, गाड़ी पार्टियल कैंसिल हुआ कि नहीं, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं पैसेंजर डिटेल्स भरना। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से पैसेंजर डिटेल्स भर सकते हैं। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ मेरा, ज़्यादा हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन टिकट करने वाला जो भाई होगा ऊपर सर जी बैठेंगे काउंटर पे, उनको तो समझ में आ ही जाएगा। बंगर बोस, नेशनलिटी आई एन डी, इंडियन समझ में आ जाएगा। मेल फीमेल यहाँ डाल देते हैं, यस 33, ओके। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ में कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमको कॉन्सेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो कोटा होता है वो दुनिया भर के लोको पायलट कोटा होता है या मिनिस्ट्री कोटा, ट्रैवल कोटा, दुनिया भर के कोटा होते हैं, वो लोग यहाँ पर डालते हैं। चॉइस ऑफ बर्थ इव एनी लोअर बर्थ अबर बर्थ इन केस नॉट रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रेन ऑफ एज 5 ईयर्स, मतलब अगर 5 साल से नीचे का बच्चा है तो उनको आपको बर्थ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी हाफ टिकट लगता है लेकिन बर्थ नहीं मिलता, अगर बर्थ लेंगे तो आपको फुल टिकट लगेगा भले ही बच्चा है। तो यहाँ पर मैं एल भी कर देता हूँ, लोअर बर्थ सभी करते हैं। यहाँ पर मुझे मिल नहीं चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, चाहिए तो टिक लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये हो गया मोटा मोटी तरीके से गाड़ी का नंबर, कहाँ से कहाँ जाना है, कितने बर्थ लेना है, मोबाइल नंबर और यहाँ पर नाम पैसेंजर का। अब ये डिटेल्स आप भरेंगे तो भी चलेगा, ना भरेंगे तो भी चलेगा, अगर आप रिटर्न जर्नी नहीं करते हैं तो, करते हैं तो भर सकते हैं, मतलब एक ही फॉर्म पर आप 2 टिकट बुक कर सकते हैं, जाने का एक आने का। ये सिग्नेचर आपको ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि सिग्नेचर के बिना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर भी कर देता हूँ, ठीक है, और डेट टाइम मतलब आज ही जाना है मुझे, ठीक है, मतलब टिकट बुक करने। तो आज 8 तारीख है, 8/2/20, टाइम ना भी डालो चलेगा। टेलीफोन नंबर यहाँ पर आपको डालना है, आधार नंबर ऑप्शनल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शनल दिया, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फुल एड्रेस है और नेम ऑफ एप्लीकेंट, ये आपको भरना होता है। इसमें टिकट बुक करने जो भी जाते हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ किसी और का टिकट बुक करने, तो मैं अपना ही डालूँगा ना, तो मेरा नाम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। फुल एड्रेस यहाँ पर 332, ये हाउस नंबर, जहाँ ट्रेंड पर रहते हैं अभी, गाजियाबाद ZB। अब पिन नंबर ज़रूर डालें, ठीक है, पिन नंबर डालने से आसान हो जाता है उस व्यक्ति को ढूंढना, ठीक है। ये पिन नंबर डल गया, पिन नंबर डालने से पोस्ट ऑफिस का कोड मिल जाता है तो सही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आधार नंबर आप डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते, लेकिन यहाँ पर भी टेलीफोन नंबर आप मेंशन कर दीजिए जो आपको करना है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, ये जो टेलीफोन नंबर, दिस वन पैसेंजर्स टेलीफोन नंबर, यानी कि जो सफ़र करने वाले हैं, इसी पे मैसेज आएगा जो भी आएगा। ये जो टेलीफोन नंबर है वो एप्लीकेंट मतलब जो टिकट बुक करने गया है, एप्लीकेशन डालने गया है, मान लो आप जा रहे हैं आपके मम्मी पापा का लेने या आपके किसी दोस्त का, किसी का भी बुक करना जा रहे हैं, आप नहीं सफ़र करेंगे, दूसरों करेंगे, तो वो आपका होगा। इस पर कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा रेलवे अपडेट का, इस नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर दोनों सेम है, मैं खुद ही जा रहा हूँ, खुद ही एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब आप इसको जाके काउंटर पर दीजिए और टिकट ले लीजिए, ठीक है, कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये था पूरा भरने का, ये इंग्लिश में था और यहाँ पर हिंदी में भी सेम टू सेम देख सकते हैं आप, यहाँ पर इंग्लिश में भर सकते हैं, हिंदी की जगह पे हिंदी वाले हिंदी में भर सकते हैं, ठीक है। वही है, अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको हिंदी वाला भी ठीक ठाक करके दिखाओ, तो उसका वीडियो हम बना सकते हैं। तो
मैं घर पे शूट कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से ट्रेन का टिकट भरते हैं अगर बुक करना है, ठीक है। ट्रेन नंबर आपको पता होनी चाहिए, स्टेशन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, उसका कोड पता ना हो तो स्टेशन का नाम आप डाल सकते हैं, ठीक है। काउंटर पर आपको बता देगा RAC है, वेटिंग है या कन्फर्म है, ओके। तो दोस्तों वही 10 मिनट ज़्यादा हो गया है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तकलीफ बंदे मातरम, जय हिंद।